महासमुंद जिले के बसना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 64 लाख रुपए का गांजा भी जब्त किया गया है। महासमुंद जिले के बसना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 64 लाख रुपए का गांजा भी जब्त किया गया है। गांजा तस्कर मिर्ची की बोरियों के बीच गांजा छिपाकर ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। गांजा तस्करी के इस बड़े मामले का खुलासा करते हुए महासमुंद जिला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने आज बताया कि सभी थाना क्षेत्रों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में बसना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा की तस्करी की जा रही है। उसके बाद बसना पुलिस टीम ने पदमपुर मार्ग पर परसापाली के निकट नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जाँच शुरू कर दी। उसी दौरान महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन वहाँ पहुँचा, जिस पर दो लोग बैठे हुए थे। दोनों लोगों से पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम प्रमोद तिवारी तथा दूसरे ने शिवम तिवारी सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए। ओडिशा जाने का कारण पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगे, लिहाजा संदेह होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी शुरू कर दी, जिसमें मिर्ची की बोरियों के बीच 12 प्लास्टिक बोरियों में 323 पैकेट गांजा भरा हुआ था। कुल 3 क्विंटल 23 किलो गांजा सहित वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जब्त गांजे की कीमत 64 लाख बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। गांजा तस्करी के इस बड़ी कार्रवाई में बसना थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर, साइबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र विजयवार सहित पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगातार बॉर्डर के अपने रास्तों पे चेक पोस्ट लगाकर अवैध मादक पदार्थ परिवहन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज एक और कार्रवाई करते हुए बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा गया है, जिसमें 3 क्विंटल 23 किलोग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। ये गाड़ी उड़ीसा के बौद्ध जिले से आ रही थी और एमपी में रीवा जा रही थी। इसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि गांजा तस्कर हर बार नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने पदार्थ को छुपाने के लिए, इस बार इन्होंने हरी मिर्च के नीचे गांजा को छिपा के रखा था। पूछताछ पे शक हुआ, उनसे माल खाली करवा के देखा गया तो हरी मिर्च के नीचे करीब 323 किलोग्राम गांजा मिला, जिसको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। NDPS 20B एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लगभग 64 लाख का गांजा रिकवर हुआ है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।